अगर आपके बैंक खाते से जुड़ा कोई भी फोन कॉल या मैसेज आता है या आपके खाते से पैसा कटता है तो उसकी खबर बैंक को दें या फिर पुलिस से संपर्क करें। अगर जरा भी लापरवाही की तो आपके साथ भी वही होगा जो सोनीपत के शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले आरती के साथ हुआ है। दरअसल ठगों ने पहले तो पीड़ित सुरेश के खाते से किसी तरह 95,000 रुपए 3 बार में निकाल लिए और फिर उन्हें फोन कर बताया कि बैंक कर्मचारी की गलती से उनके नाम पर 3 FD हो चुकी है जिसके पैसे खाते से काट लिए गए हैं और अब अगर वो FD नहीं चाहते तो उनके भेजे गए लिंक वापस भेज दे जिससे पैसे वापस खाते में जमा हो जाएंगे। सुरेश ठगों की बातों में आ गए और इसके बाद आरोपियों ने उनके खाते से और पैसे निकाल लिए जिसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब उन्होंने मोबाइल ऐप पर बैलेंस चेक किया। मेरा जी पहले किसी से कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, पर मेरे फोन में मैसेज आया 3 बार 50,000, 25,000 और 20,000। उसके बाद में मैसेज देख रहा था, फोन आया, बोला भाई हम होम ब्रांच से सरक्षर से बोल रहे हैं SBI से और टोन कॉलर पर भी उनका वही नाम आया SBI होम ब्रांच। मैं ठीक है भाई क्या हुआ, बोला आपके देखो अकाउंट में पैसे कटे होंगे, बैलेंस चेक करो। मैंने बैलेंस चेक किया तो 3 FD मतलब 3 बार पैसे कटे हुए थे मेरे। तो उन्होंने बोले हम होम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपकी हमारी गलती से 3 FD बन गई हैं और आप इनको वापस अकाउंट में करवाना चाहते हो तो हमारे को लिंक बताना पड़ेगा। उसके बाद ही मैंने लिंक बता दिया और उन्होंने 1,85,000 और एक्स्ट्रा फिर काट लिए। खाते में इतने पैसे थे? खाते में तो 3,11 थे। अच्छा अच्छा। तो मैं बैंक में गया, वो बोले नहीं FD आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम वापस कर देंगे। तो मेरे कुछ बगैर बताए, बगैर कुछ और मैसेज ना मैंने कुछ छेड़खानी करी, मेरी FD बन गई। पहले क्या काम करते हो आप? ट्रांसपोर्ट का काम है जी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ रहते हो? शास्त्री कॉलोनी। पुलिस को शिकायत थी इसके बारे में? हाँ, पुलिस को शिकायत। सुरेश के खाते से कुल 1,85,000 रुपए निकाल लिए गए जिसकी शिकायत उसने थाने में दी है। पुलिस ने अज्ञात ठग पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने लोगों की इस तरह से कॉल या मैसेज से सावधान रहने की अपील की है। नाम के व्यक्ति का जो कि शास्त्री कॉलोनी का रहने वाला है, एक शिकायत हमें प्राप्त हुई जिसमें कि उसके टोटल 1,85,000 रुपये खाते से निकाले गए हैं, जो कि उसने अपनी शिकायत में बताया है कि उसके खाते से 20,000, 25,000 और 35,000 रुपये 1 बार निकले और उसके बाद उसके पास एक फोन कॉल प्राप्त होती है जिसमें कि उसने बताया कि अगर आप अपनी FD को एज ए सेविंग में बदलना चाहते हैं तो आप अपना OTP जो नंबर आपके पास आएगा उसको भेजें, जो कि OTP नंबर उसके पास आया। उसके बाद उसने फ़ोन करके जहाँ से फ़ोन उसको प्राप्त हुआ था उसको बताया, उसके बाद उसके अकाउंट से ये पैसे निकले हैं जो कि धोखाधड़ी का मामला हमने दर्ज कर लिया और आगे अनुसंधान जारी है। सर, जिस तरह से लगातार ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, किस तरह से रोक लगाएगी पुलिस उस पर? देखिएगा, एक अलग से हमने टीम का भी गठन किया है और उसके साथ साथ एक एंटी फ्रॉड जो टीम है अलग से हमारे SP सोनीपत के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में, इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी ATM फ्रॉड और बैंक के फ्रॉड है उनको पकड़ सकें। सर, क्या लोगों से अपील करना चाहोगे जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रही है? देखिएगा, मैं सभी सोनीपत वासियों से अपनी तरफ से और पुलिस पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अगर फ़ोन कॉल उन्हें रिसीव होती है तो नज़दीकी किसी भी बैंक शाखा में जाके मैनेजर से या असिस्टेंट मैनेजर से या फिर वहाँ का एक अलग से स्क्वाड होता है उससे वो कन्फर्म करे कि इस नंबर से हमें कॉल आई है और किसी भी जो फॉल्स कॉल्स उसे प्राप्त होती है किसी भी नंबर पे वो OTP वगैरह या किसी भी अपने खाते की इन्फॉर्मेशन वो उन्हें ना दे। इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं जो इस तरह के मामले रोकने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि सुरेश के केस में पुलिस आरोपियों को पकड़ पाती है या नहीं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV।